से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तो पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। सीएम अशोक गहलोत रामनिवास बाग पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। तो नेहरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीसीसी में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो अभी रामनिवास बाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो नेहरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और पीसीसी में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अभी फिलहाल रामनिवास बाग पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि, सीएम अशोक गहलोत रामनिवास बाग पहुंचे हैं, नेहरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो पीसीसी में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और अभी रामनिवास बाग सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। पंडित नेहरू जी का जो विजन था, आज जो कुछ देश आधुनिक भारत है उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें आजादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने है, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया, दुनिया में उनका एक अलग तरह का ऑरा था, सम्मान था, पूरी मुल्क के दुनिया के अंदर भी था, पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए। तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर, आज़ादी की जंग के अंदर, और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। ज्योतिष बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिसकी कमी महसूस की जा रही है, उसमें हम सबकी गलती है। जिस रूप में लगातार उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करना चाहिए, तो वो हम नहीं कर रहा है, उससे कई बार भड़का भी होता है। उनके जो जेल में रह करके जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है या जेल के बाहर जो लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, भारतीय खोज, ये आज भी मौजूद है,
और जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके जहन में वो आज भी बातें हैं जो उसमें लिखी हुई है। उनके सीरियल बने हैं टीवी के अंदर भी, पूरे मुल्क ने देखा भी है, कोई जमाना था। इसलिए वो महान हस्ती का जब दिन आता है, चाहे जन्मदिवस हो, तो बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आज़ादी के बाद से ही उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाता जा रहा है। पुण्यतिथि को लोग याद करते हैं, उनके विजन को। इसलिए आज जब हम आते हैं तो मन में संकल्प लेते हैं कि कैसे जो उन्होंने शांति का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का जो संदेश दिया था देशवासियों को, उस पर हम लोग आगे बढ़ें। देश में, प्रदेश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सभी कार्यकर्ता, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब मिलके प्यार से, भाईचारे से रहें और शांति कायम रहे, ये हमारा संकल्प होता है। सर, मौजूदा समय में आपका कहना है कि नेहरू के योगदान को भुलाया जा रहा है, जो उन्होंने भारत की निर्माण रखी थी उसको भुलाया जा रहा है। ये जो दुर्भाग्य से जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को डैमेज करने का षड्यंत्र किया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार पंडित नेहरू की छवि को भी डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी हरकतों की हमने कल्पना ही नहीं की थी, इस मुल्क के सामने ऐसी शक्तियाँ भी आई कभी शासन के अंदर जो इस तरह की हरकतें भी कर सकती है। कि सोशल मीडिया का उपयोग होना तो अलग बात है, ये सोशल मीडिया लेके राजीव गांधी जी आए थे। और आज देखिए आप, जो पंडित नेहरू के बारे में निम्न स्तर की बातें की गई इसके माध्यम से, तो आप सोच सकते हो कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। इस प्रकार की हरकतें अगर होती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके किया जा रहा है, टीमें बैठी हुई पूरे देश के अंदर, कमेंट्स आते हैं, हम लोग कोई भी पोस्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे कि उनको पढ़ के भी क्या करें, कुछ पढ़ के अगर भला होता हो देश का, प्रदेश का, प्रदेशवासियों का, तो अच्छा लगता है अच्छे कमेंट के बारे में। पर इतने निम्न स्तर के कमेंट आते हैं और षड्यंत्र करके राहुल गांधी को भी और पंडित नेहरू को, तो आप सबको मालूम है क्या कहने का उनके बारे में। इलाहाबाद का जो आनंद भवन है, वहाँ बैठ के गांधी जी और सब लोगों ने आंदोलन चलाया था देश का, फ्रीडम मूवमेंट का। मोतीलाल नेहरू का क्या बड़ा योगदान था उस जमाने में, जो सबसे बड़े वकील माने जाते थे देश के, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, त्याग और बलिदान पूरे खानदान ने। अब उसके ऊपर अटैक हो रहा है, आप राजनीतिक अटैक करो, विचारधारा के आधार पर अटैक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना पड़ता हर एक को भी। परंतु आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाओ, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अगर आप षड्यंत्र करके डैमेज करो, ये मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, मेरा मानना है। सर, मंत्री अशोक चांदना का एक ट्वीट आया है, वो ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करती। नहीं, मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछले बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार, राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो, तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए, उनकी बातचीत करें। मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे, वो दबाव में काम करा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे।